देखिए हम टमाटर तोड़ रहे हैं, ये बाड़ी का ये ताज़ा टमाटर है और हम घर चंदन क्यारी आज ही जाने वाले हैं फ्रेंड, तो इसीलिए टमाटर देखिए तोड़ रहे हैं। यहाँ बहुत सारा टमाटर है लगा हुआ है, तो देखिए दिखाओ, ओला नहीं जाता है। धनिया पत्ता है, अब बैठ के और हम चंदन क्यारी के लिए ले जा रहे हैं। धनिया पत्ता है देखिए वहाँ, ये मेरा भतीजा है और ये धनिया धनिया पत्ता का क्यारी है और यहाँ देखिए प्याज तो अभी जस्ट लगा हुआ है। ये देखिए हमारे माँ का घर का ये बाड़ी है फील्ड, और देखिए प्याज अभी लगा हुआ है फिलहाल, बहुत छोटा छोटा है प्याज क्यारी है। ये ओनियन ओनियन लगाया गया है और ये लहसुन है, देखिए ये लहसुन का है, लहसुन का भी पौधा को ये लहसुन का पौधा है, लहसुन का क्यारी है। और ये हमारे अरे बैर का पेड़ है, देखिए बैर पेड़ में बैर फैला हुआ है, अभी पक गया है बैर। बैर पका हुआ है पेड़ में और ज़मीन में देखिए काफ़ी गिरा हुआ है, लाल लाल बैर है देखिए। ये है फ्रेंड देखिए कितना सामने सामने बैर है, पक के गिरा हुआ है, तो अभी चुनेंगे और हम अपने घर की ओर ले जाएंगे। पत्ता है ना, पत्ता के नीचे नीचे के गिरा हुआ है, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में ये मीठा, काफ़ी सूख जाने के बाद ये किशमिश जैसा लगने लगता है। और आगे वाला वीडियो में हम दिखाए थे, और आइए इधर ये है देखिए पपीता का पेड़ है ये हमारे, और ये है पालक साग, ये पालक साग, ये आलू है, ये हमारे बगान का देखिए काफ़ी सारा आलू लगा हुआ था पहले, उधर जो लगाए था लगाए थे वो देखिए यहाँ, देखिए जैसे कि यहाँ यहाँ आलू बन के तैयार हो गया था, अगले वीडियो में जैसे हम दिखाए थे आप लोग को, देखिए ये आलू बन के तैयार हो गया है इसमें, देखिए और भी कोड़ेंगे तो मैं अभी कोड़ाया नहीं है आलू, देखिए आलू बन के तैयार हो गया है, लेकिन इसी में है जैसे इसमें देखिए उतना इंसान नहीं आया है, लेकिन देखिए उतना नहीं आया है, एक पेड़ में तीन चार ही, सामने आओ सामने से लीजिए, जैसे ये पेड़ है देखिए, वाह इतना बड़ा बड़ा देखिए आलू निकल रहा है। चलिए सब्जी बनाएंगे ले जाएंगे हम, और चंदन क्यारी छोड़ छोड़ कर लेट फुट उठी आज छोड़ छोड़ आ जाती, फिर देखिए ये कौन सा कॉफी है, इसको क्या कहा जाता है, हरा कॉफी, हाँ हरा कॉफी, हरा कॉफी, देखिए इसको तोड़ेंगे और इसको हम ले जाएंगे, ये 100 रुपये किलो बिकता है बाजार में, दिल्ली में दिल्ली में दिल्ली तरफ इसको काफ़ी लोग खाते हैं, दिल्ली तरफ ये इसको लोग काफ़ी पसंद करते हैं और यहाँ का लोग भी, 100 रुपये किलो बाज़ार में मिल बिकता है, ऐसे कॉलीफ्लावर तो यहाँ
अभी शायद 20 रुपये किलो हो है, लेकिन ये दिल्ली में और अभी भी बाज़ार में ये हरा गोभी जब ले जाया जाता है तो 100 रुपये किलो बिकता है। ये क्या चीज़ का पौधा है? ये बीम का पौधा है। देखिए ये बीम का पौधा है, बड़ा हो के देखिए इसमें भी फ्लावर आ रहा है। और इस तरह का मेड़ देखिए, चना तरफ आ जाइए, देखिए एक पेड़ में कितना सारा चना खिला है। बैठ जाओ, बैठ के फोटो लीजिए। देखिए ये है चना का पौधा, देखिए। और जब झाड़ी जब बिकता है, चना का झाड़ी जब बिकता है बाजार में, तो इसी तरह से जब बन के तैयार हो जाएगा तो इस तरह से मुट्ठी बना बना के बेचा जाता है। मतलब देख रहे हैं इसमें जमा है क्या? हाँ जम तो गया है, देखिए फ्रेंड जम के तैयार हो गया है। देखिए ये जो दाना है, देखिए वाह बहुत टेस्टी, ये घर का तो अलग ही स्वाद मिलता है। देखिए और एक भतीजा देखिए आगे पढ़ रहा है और खाना खा रहा है। ये आम का पेड़ है हमारे बगान में, देखिए जय वो है आपका जामुन का पेड़, बाउंड्री के अंदर में है जामुन का पेड़। और ये है आम पेड़ है, ये आम में देखिए काफ़ी सारा मंजर आ गया है, सभी पेड़ों में आ गया है। पेड़ों में काफ़ी मंजर आ चुका है। और ये है बेल का पेड़ है, और बेल जो होता है बेल गाछ है, बेल पत्ता का पूजा भी होता है। देखिए ये बेल का पेड़ है और ये बेल देखिए इतना फला हुआ है पेड़ में। और ये कटहल का पेड़ है, कटहल में भी देखिए आ गया है, उसमें भी फल आ गया है, फूल फल आने लगा। ये कटहल का पेड़ है, अभी फला नहीं है, फूल से फल थोड़ा छोटा छोटा फल फलना शुरू हो गया है। ये कटहल का पेड़ है, कटहल का पेड़। और ये आपका फूल है जवा फूल, ये जवा फूल है। ये जवा फूल है और ये है पपीता का पेड़, ये हमारे माँ का घर का ये बगान है, ये क्या बोलते हैं बाड़ी है फील्ड। और काफ़ी देखिए हरा भरा, इन सब नहीं लगाए हैं उतना सब्जी, क्योंकि भैया नहीं लगा पाए हैं क्योंकि कुआं में पानी नहीं है जिसके कारण। देखिए ये सरसों का फूल है, ये सरसों का फूल है, अगर फ्रेंड मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ये है अमरूद का पेड़ जो कि आगे वाला आगे वीडियो में हम दिखा चुके हैं आप लोग को। ये पपीता का पेड़ है और ये सब अमरूद का पेड़ है। देखिए यहाँ पर कई सारा अमरूद का पेड़ है।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैंने कम से कम बहुत सारा पेड़ है। अब काउंटिंग काउंटिंग नहीं कर पाइएगा, इतना सारा पेड़ है। ये अरहर जो अरहर दाल बनता है वो देखिए इसमें है, ये अरहर का, इसी से अरहर का दाल बनता है। पक के जो होता है वो मशीन में फट जाता है और फिर बनता है। काफ़ी सारा फला हुआ है देखिए, और ये भाभी है, ये मेरी भाभी है, भाभी झाड़ू लगा रही है। तो हम फ्रेंड से अभी माँ का घर आए हुए हैं, और ये है देखिए सरसों जो हो जाता है, सरसों जब पकने का जैसा ये में आ जाते हैं, फूल से फल पकड़ चुके हैं इस सरसों का पेड़ में। और ये है कोयला, कोयला से जो आग जलता है कोल, और ये हमारे माँ का घर है, और माँ का घर हम जस्ट घुस रहे हैं। देखिए ये कोचिंग सेंटर है, भैया टीचर है, और ये आंगन की ओर गए हैं, जा रहे हैं। देखिए ये हमारे माँ का घर का आंगन है, यहाँ एक गाय बंधी थी इसीलिए। देखिए ये कुल्ही है, ये रोड है, ये आने जाने का रास्ते हैं। हम लोग अगर इधर पाथल्ली उधल्ली जाना है तो इसी ये में हम लोग जाते हैं, रास्ते में जाते हैं। फिर बाड़ी की ओर मूव हो रहे हैं, ये पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। और देखिए ये भी अमरूद का ही पेड़ है। फिर यहाँ देखिए एक मुर्गा भी बंधा हुआ है, कॉक, और घर प्रवेश करने के लिए ये है हमारी माँ का घर है, ये मेरा जन्म स्थान है। देखिए इस पाइप से, इस कुआं में टुलू पंप लगा हुआ है, पानी कम है। देखिए पाइप लगा हुआ है, और इस पाइप से पानी बाड़ी को जाता है क्यारी में। ये भाभी मेरा पानी खींच रही है कुएं में।
कुएं में पानी खींचती हूँ।